Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bukhair ragli, and a very good morning to all of you. Well, janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हरियन और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. जब तक इंसान को धोखा नहीं मिलता ना, तब तक उसको अकल नहीं आती, तब तक उसको समझ में नहीं आता कि क्या करना और क्या नहीं करना. लेकिन एक बात जो कि मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि बार बार एक ही तरह की सिचुएशन में अगर कोई इंसान आता है ना, तो ये उस सिचुएशन का कसूर नहीं, ये उस इंसान का कसूर है कि जो शायद उस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा होता, या फिर उसको लगता है कि यार एक दफ़ा और चलो आने दो. और इस चक्कर में उसके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कभी कि जब वो अपनी सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल करने के काबिल ही नहीं रहता, और उस सिचुएशन में हो सकता है कि उसकी हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट हो जाए, या उसको लगे कि बस यही तक था सफ़र और अब सफ़र ख़त्म हुआ. क्योंकि बहुत सारे लोगों को उल्टी पुल्टी थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं जब एक वर्स्ट सिचुएशन से कोई इंसान गुजरता है और उससे वो चीज़ हैंडल नहीं होती, तो तब एक्चुअली ऐसा होता है. सो बेहतर है कि अपने ही तजर्बे से अगर आप सीख लें, अपने ही तजर्बे से अगर आपको समझ में आ जाए कि यार इस तरह की सिचुएशन अगर थोड़ी बहुत भी क्रिएट होनी शुरू होगी, तो अपने आप को ज़रा बचा के बाहर निकाल लेना है, ताकि ऐसा कोई मामला ना हो कि जो संभालने में ना आए. अगर आप लाइफ में फोकस चाहते हैं, पेशेंस चाहते हैं और कमिटमेंट चाहते हैं किसी भी चीज़ के साथ, यू नो, अगर आप जुड़ते हैं, तो उसके लिए आपका फोकस होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए. क्योंकि समटाइम्स हमें रिजल्ट्स बहुत अर्ली नहीं मिलते, थोड़ा लेट मिलते हैं. सो उसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है. एंड सेकंड थिंग इज़ फोकस. और फिर जनाब आप फोकस के साथ कमिटमेंट को भी you know, साथ रखें. सो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगेबान एंड खुदा पामान. दिस इज मेरा FM 107.4.